हिमाचल प्रदेश में जहां गत दिनों तेज बरसात और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा, वहीं पूरे प्रदेश में प्रचंड ठंड भी हो गई है। जिला बिलासपुर की बात करें तो सबसे ऊंची पहाड़ी बहादुरपुर धार में अब सीजन की वार चौथी बर्फबारी हुई है। हालांकि इसके साथ लगते अन्य पहाड़ियों पर भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। बहादुरपुर धार पर चौथी बार सीजन की बर्फबारी पड़ी है और यहाँ के लोगों ने जहाँ पर बर्फबारी का पूरा आनंद उठाया है, वहीं अब पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया है। हालांकि जिला बिलासपुर के स्वारघाट, श्री नैना देवी जी और अन्य इलाकों में जहाँ दो दिन से बरसात होती रही, वहीं रात के समय भी तेज बरसात का दौर जारी रहा और रुक रुक कर ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके चलते नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटक काफी परेशान दिखे और ठंड के कारण भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन आज मौसम थोड़ा साफ है, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। आज बहादुरपुर में यहाँ पे बर्फबारी पड़ी हुई है, मतलब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और हम नमो स्कूल से हमारा एग्जाम लगे हुए, तो एग्जाम दे के हम बहादुरपुर में आ गए इंजॉय करने के लिए और यहाँ की चौथी बार यहाँ पे बर्फ पड़ गई है, तो मतलब यहाँ पे हम मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहादुरपुर धार में भारी बर्फबारी हुई है और शीतलहर की चपेट में पूरा शहर आ गया है, डिस्ट्रिक्ट जो आ गया है और लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन आना जाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। शीतलहर बड़ी भारी है, पहले कभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी, 50 साल का रिकॉर्ड जो है इस बारी टूटा हुआ है।